तो दोस्तों ये मेरा फ्रेंड है जगबीर और इसका अपना यूट्यूब चैनल भी है और ये एक्स कौन सी है एक्सप्रेस बीस में डिलीवरी करता है यानी कोरियर डिलीवरी करता है जैसे कि अमेजोन में फ्लिपकार्ट में। तो ये भाई लगा है उसमें, तो इससे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा कि जॉब कैसे मिलेगी और कितना पैसा ये यानी मंथली कमाते हैं और सारा कुछ डिस्कस आपके बारे में करूंगा। सबसे पहले जगबीर आप ये बताइए कि आपने इसमें यानी कि ज्वाइनिंग कैसे करी, जॉब कैसे मिली आपको इसमें? इसमें ज्वाइनिंग के लिए तो ऐसे है कि इसमें ना वैकेंसीज निकलती रहती है कुरियर कंपनी में, मतलब कि वैकेंसी चलती रहती है, कभी कोई हट रहा है, कभी कोई हट रहा है, कभी कोई लग रहा है, कई बार लोड पे भी होती है जैसे पार्सल ज्यादा आ रहे हैं, मतलब की पार्सल आते हैं जैसे कि दिवाली होली इन पे पार्सल ज्यादा होते हैं तो ज्वाइनिंग भी काफी चलती है ना। तो इसके अलावा अपना मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे थे जब आपने ज्वाइन की थी ये कंपनी? इसके अंदर डॉक्यूमेंट जैसे कि बाइक होगी बेसिकली, हाँ बाइक और आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल मोबाइल फोन होने चाहिए, कंपलसरी है तो होने चाहिए, और टेंथ की सर्टिफिकेट या फिर प्लस टू, बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए यानी कि आरसी ड्राइविंग लाइसेंस ये तो मेन ही है, इसके अलावा मतलब की दसवीं टेंथ या प्लस टू बेस पे भी यानी कि बंदे को पढ़ा लिखना आना चाहिए, यानी कि डिलीवरी का काम है मोबाइल पे एप्लीकेशन चलानी पड़ती है, सेंस भी होनी चाहिए ना तभी आपकी ये सेंस हाँ हाँ बंदे में। तो इसके अलावा मतलब की कुछ पैसा भी लिया गया था आपसे? नहीं नहीं, इसके अंदर कभी भी कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती ज्वाइनिंग के लिए, ये बिल्कुल फ्री होता है, आप किसी भी कंपनी में लगते हो ना इसमें कोई फीस नहीं ली जाती। ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफी एजेंट भी है आपसे फीस भी ले सकते हैं, काफी बहुत एजेंट होते हैं, ऐसे फीस यानी कि लेते नहीं है कभी भी, अगर कोई ले तो। अच्छा इसमें आप ये बताइए कि जो आप इस कंपनी में लगे हो तो मतलब कि आपको कोरियर का पैसा यानी कि आप सैलरी बेस पे कर सकते हो या फिर कोरियर के हिसाब से आपको पैसा मिलता है डिलीवरी का, दूर का कितना है पास का कितना है? मैं तो इसमें जो है कुरियर बेस पे कर रहा हूँ, मुझे 15 रुपए एक कुरियर के हिसाब से मिलते हैं, यानी 15-20 रुपए पंद्रह से बीस रुपए मुझे एक कुरियर के मिलते हैं, और अगर सैलरी बेस पे करते हैं तो उसमें यही 10,000 से 11,000 रुपए के आसपास सैलरी होती है, उसमें प्लस पीएफ वगैरह और इंसेंटिव वगैरह होता है, पीएफ कटता है जो कि आपको बाद में मिल जाता है अगर साल 6 महीने करते हो ना, लगभग यानी कि 10 से 15,000 तनख्वाह अपनी बन जाती है इसमें कम से कम, और लोकेशन भी अच्छी मिल जाती है पास की है ना। हाँ जी, और अगर हम सैलरी बेस पे करेंगे तो फ्यूल का खर्चा कंपनी को होगा किसको? सैलरी बेस पे कंपनी देती है फ्यूल का खर्चा, जितने किलोमीटर मोटरसाइकिल चलेगी तो उसका आपको यानी पे करेगी कंपनी, वो डेली रीडिंग नोट होती है और पे करती है उसका। मतलब कोरियर अगर हम सैलरी बेस पे ना करें कोरियर बेस पे करें तो दिन में कितना कोरियर डिलीवर कर देते हो आप? वो कोरियर कुछ तो काम के ऊपर होता है भाई। अच्छा। कितना काम आ रहा है, किस एरिया में कितने पैकेट आ रहे हैं, मतलब एक अवरेज मतलब 20-30। हाँ, इसमें जैसे एरिया होता है छोटे छोटे ना बटे हुए, हाँ। जैसे अलग अलग जैसे सेक्टर है तो कुछ एक दो सेक्टर मेरे पास है, एक दो सेक्टर किसी और के पास है। नहीं, टोटल कितने कोरियर आ जाते हैं? तो अब जैसे मेरे पास अभी 40-50 के आसपास कुरियर आ जाते हैं, 40-50 के आसपास कुरियर, 50 कुरियर भी अगर मैं कर लेता हूँ तो 750-800 रुपए के आसपास मेरी एवरेज डेली। तो देखा आपने मतलब कि 700-800 रुपए इसमें पेट्रोल आपका है या फिर कंपनी का? पेट्रोल इसमें मेरा होता है, यानी कि मेरा 100-150 रुपए कुछ का पेट्रोल लगता है अगर 700-800 रुपए मेरे। हाँ, यानी कि मतलब ये मान के 600 रुपए आप डेली के मान के चलो पेट्रोल का खर्चा निकाल के। हाँ जी, तो यानी कि 36-18 हजार रुपए अपना आराम से बड़े आराम से कमा सकते हैं 20+ पेट्रोल अलग से, तो अच्छी अर्निंग है इसमें भी। और कुछ मेरे को आज पैकेट दिखा सकते हो आप, मतलब ये कोरियर कितना बड़ा होता है इसमें? जैसे कोरियर तो बड़े, एक तो बड़ा साइज होता है, एक छोटा साइज होता है, ये तो सब कस्टमर के बेस पे होता है, कस्टमर कैसे मंगाता है, लेकिन ज्यादातर हमारे पास कोरियर इतने बड़े आते हैं या इससे छोटे आते हैं, इस हिसाब से कोरियर बड़े आते हैं, बल्कि ज्यादा बड़े नहीं मतलब मीडियम साइज आते हैं, एक दो साइज बड़ा वगैरह आ जाता है कोई, यानी कि बड़ा तो एक या दो ही पार्सल आता है, वो भी कभी कभी आते हैं। तो चलो इसके अलावा मतलब कि जैसे कि कंपनी जॉब टाइम कितना है इसका, मतलब कि जैसे सैलरी बेस पे 10 घंटे क्या सीन है, मतलब कि सुबह कितने बजे जाना पड़ता है इसमें? सुबह की टाइमिंग होती है कि इतने बजे ऑफिस में आना होता है। नहीं, फिर क्या टाइम? 8 बजे 9 बजे 8 बजे का होता है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग होते हैं, मतलब कि आप अपनी कंपनी में जाके कोरियर इकट्ठा करते हो अपने बैग अपने लोकेशन के हिसाब से कोरियर बैग में डाले उसमें डाल लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे ऊपर है, हम चाहे 2 घंटे में बांटते अपने कुरियर, चाहे हम 4 घंटे लगा दें उसमें, चाहे 10 घंटे लगा दें, तो मतलब आप जल्दी फ्री हो सकते हो। तो कोरियर में मतलब ऐसा है कि आप अगर जल्दी कोरियर करोगे डिलीवर तो आप जल्दी फ्री हो सकते हो 3 से 4 घंटे में ना? वैसे भी हो जाते हैं, जैसे मेरे पास 50 कोरियर है तो एवरेजली मेरे 4 से 4.5 घंटे में डिलीवर हो जाते डिलीवर है। होते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस लोकेशन में कैसे आप कोरियर डिलीवर कर रहे हो, अपनी लोकेशन के हिसाब से कहाँ आपको जाना है वहाँ से आपको कितने डिलीवर करना है, उसके बाद अपना एरिया आपको पता होता है। तो इसके अलावा मतलब काफी हवा चल रही है यहाँ पे, और चलो
एंड मतलब सब कुछ मैं आपसे डिस्कस कर लिया, जॉइनिंग का भी आपको बारे में बता दिया, इसके अलावा पर पैकेट कितना मिलता है और अगर आप पैकेट के हिसाब से काम करना चाहोगे या फिर सैलरी के हिसाब से, वो चॉइस आपकी है। तो आपके शहर में इसके आउटलेट बने होते हैं तो जा सकते हो, अपना रिज्यूम लेकर जा सकते हो। आपने ऐसी जॉइनिंग किया होगा ना? हाँ जी हाँ जी, रिज्यूम लेके किसी भी उसमें जा सकते हो, ऑफिस में जो भी आपके आसपास अमेज़न का या फ्लिपकार्ट की जिस मर्जी का ही है, कार्ट एक्सप्रेस भी डिलीवरी कहीं होते हैं इसके अंदर, तो आप उनमें जा सकते हो अपना रिज्यूम लेकर। ठीक, तो इसके अलावा बस यही है कि आप 15,000 से 20,000 बड़े आराम से कमा सकते हो इसमें ना? हाँ, 15-20 प्लस। अभी जैसे दिवाली का सीजन है, दिवाली के सीजन में बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग होती है, आपको पता ही है सबको। हाँ, मतलब कोई फोन वगैरह कोई वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा निकलने वाली है सभी कुरियर कंपनीज में, और काम भी बहुत अच्छा आएगा, यानी कि दिवाली में और इंसेंटिव वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है, चाहे आप पैकेट बेस पे करते हो दिवाली टाइम में, उस पर भी इंसेंटिव अच्छा मिलता है, तो काफी अच्छी इनकम पड़ जाती है। चलो ठीक है जगबीर दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।